आप ऐसा पेपर रहता है की एंड लोक चेयरमैन के पास, और वो गोपनीय शाखा का जो होता है इंचार्ज वो चेयरमैन से डायरेक्ट पेपर के चेयरमैन के पास है। जब बिना चेयरमैन की इच्छा के मेंबर पेपर आउट करा ही नहीं सकता, चेयरमैन तो सीधा आरोपी है, चेयरमैन को गिरफ्तार करना चाहिए। और कटारा और चेयरमैन की नियुक्ति किस किसने कराई, रीट में क्या हुआ, रीट में किस मंत्री का नाम आ रहा था, देवराम की क्या भूमिका है, ये सोची तो नहीं करेगी देवराम गिरफ्तार करने का मतलब सीएम आगे कट करे करना। इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। 10,000 जवानों का शिवलाइन फाटक में मैंने प्रदर्शन किया, पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों प्रदर्शन हुए। पहले दिन 4 जगह हमने आरपीएससी मुख्यालय जोधपुर जो सीएम का गृह जिला, बीडी कल्ला का गृह जिला बीकानेर और जयपुर में, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक सस्पेंड निष्कासित हुए एक दिन के लिए पेपर लीक मामले। तो ये तो पूरा राजनीतिक षड्यंत्र, लेकिन स्टेट की कोई एजेंसी मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोगों को गिरफ्तार नहीं करेगी, इसके लिए सीबीआई जांच करेगी। लेकिन बीजेपी का देखिए आप दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने मौन धारण कर लिया, क्योंकि वसुंधरा के समय भी बहुत पेपर आउट हुए थे। तो मिला जुली का खेल है, और इसमें मिला जुली का खेल नहीं है। देखिए जितने वसुंधरा ने पेपर आउट कराए उतने गहलोत करा रहे हैं। जब गहलोत की सरकार गिर रही है तो वसुंधरा उसको विधायक दे रही है। और तो और कोरोना भी देखो दोनों को साथ हुआ, 1 घंटा आगे पीछे था कोविड। तो ये मिला जुली का खेल साफ साफ है कि ये मिलजुल के राजस्थान के अंदर चल रहा है। सही बात है भाई, खुद पढ़ लो ना आप कि जैसे गहलोत कहता मुझे कोविड हुआ, वसुंधरा कहती मुझे भी हो गया कोविड, तो आया था सारा। रिपीट हो जाएंगे ना घर पर।